बस अब गाइस मैं हूं जय, आप देख रहे हैं अनबोर्ड क्लैश। तो यार चलो शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो यार आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच सवालों के बारे में जो अगर आपको पता है इसका मतलब आप क्लैश ऑफ क्लैंस के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। याद रखना, अगर पता है तो इसका मतलब ये नहीं आपको खेलना बहुत अच्छे से आता है, बट हाँ इसका मतलब ये ज़रूर है कि आपको क्लैश ऑफ क्लैंस के बारे में नॉलेज बहुत अच्छी है। यार चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ। वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन ये है, फुल फॉर्म ऑफ पेका। ऑल राइट, फुल फॉर्म ऑफ पेका, यू हैव 5 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो द आंसर इज परफेक्ट इनरेज्ड नाइट किलर ऑफ असैसिन्स। यार देखो मुझे भी याद करने में बहुत टाइम लगा, बट हाँ मुझे याद हो गया। पेका का फुल फॉर्म होता है परफेक्ट Enraged Night Killer of Assassins, यही इसका फुल फॉर्म है। Alright, let's move to question number 2. What is the earning of Clash of Clans? Clash of Clans की earning क्या है per day की? रोज Clash of Clans कितने रुपए कमाता है, कितने डॉलर कमाता है? तो चलिए यार इसके लिए भी आपके पास है 5 seconds। Alright, तो COC की अर्निंग है रोज की $5 million। यार ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बट हाँ $5 million COC हर दिन कमाता है। यार हर दिन कमाता है सिर्फ क्लैश ऑफ क्लैंस। अब सोचो सुपर सेल कितना कमाती होगी इतने सारे गेम्स में से। यार ऑलराइट, सो इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है थीम के बेस्ड पे। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है कि How many themes are there in Clash of Clans? अब देखो हर टाउन हॉल की एक थीम होती है, राइट? लेकिन शुरू के जो टाउन हॉल है उन सब की एक ही थीम है। अलग अलग थीम्स चलती हैं अलग अलग टाउन हॉल की। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है उसकी बिल्डिंग्स अपने टाउन हॉल के हिसाब से अलग दिखने लगती हैं। तो क्लैश ऑफ क्लैंस की कितनी थीम्स हैं? तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी आपको मिलते हैं 5 seconds। ऑलराइट, सो यार देखो इसका जवाब आप खुद दोगे। टाउन हॉल 8 की कैनन अलग दिखती है, टाउन हॉल 9 की कैनन अलग दिखती है, 10 की अलग दिखती है, 11 की अलग दिखती है, और 1 से लेकर 7 की अलग दिखती है। तो इसका मतलब है कि टोटल थीम्स 5 है। जी हाँ, टाउन हॉल 1 से लेकर 7 तक सारी बिल्डिंग क्लैश ऑफ क्लैंस की सेम दिखती हैं, बट 8th में फाइनली बिल्डिंग अलग दिखने लगती हैं सारी। कैनन का एग्जांपल बेस्ट रहेगा, 9 में और अलग, 10 में और अलग, और 11 में बिल्कुल अलग। तो क्लैश ऑफ क्लैंस में इन टोटल 5 थीम्स हैं। इसके बाद आता है कि COC में यानी कि क्लैश ऑफ क्लैंस में कौन सा ट्रूप डॉक्टर है? जी हाँ, कौन सा ट्रूप डॉक्टर है? अब इस सवाल का वही लोग जवाब दे पाएंगे जो क्लैश ऑफ रामा सीरीज देखते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस के ऑफिशियल पेज पे। तो यार चलो जो लोग नहीं देखते इसलिए मैं 3 hints दे देता हूँ आप लोगों को। विजार्ड, हीलर या फिर जायंट, इन तीनों में से कोई एक डॉक्टर है। तो यार 5 seconds फिर मैं आप लोगों को देखता हूँ ये बताने के लिए कि इनमें से कौन डॉक्टर है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। ऑलराइट, तो आपको जान के बड़ी ही हैरानी होगी, बट विजार्ड, जी हाँ गाइस, विजार्ड इज द डॉक्टर इन क्लैश ऑफ क्लैंस, हीलर नहीं है, विजार्ड है। और इवन एक शो में ऐसा भी आया था कि हीलर आ जाती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी और वो विजार्ड को धोखा देके भगा देती है क्लैश रॉयल में, और इसलिए क्लैश रॉयल में विजार्ड है। वो तो वहाँ पे मतलब सेवा करने गया था, बट वहाँ पे उसके लग गई उसकी। इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द जेंडर ऑफ पीका। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सबसे टफ क्वेश्चन है। व्हाट इज द जेंडर ऑफ पीका, पीका का जेंडर क्या है? वो लड़का है, लड़की है, या फिर क्या है? लड़का, लड़की, या फिर क्या है वो? तो इस क्वेश्चन का जवाब के लिए मैं आपको दूंगा 5 seconds। ऑलराइट, इतना टाइम काफी था। तो देखो जिन लोगों को नहीं पता, पेका एक लड़की है, ये बिल्कुल एक लड़की है। अब उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पेका का डिस्क्रिप्शन था वो अब बिल्कुल चेंज हो गया है अपडेट के बाद, बट क्लैश ऑफ क्लैंस के पहले 1-2 साल पहले जो पीका का जो डिस्क्रिप्शन था उसमें शी लिखा हुआ था, साफ साफ उसके डिस्क्रिप्शन में शी लिखा रहता था।
तो इसलिए हमें पता है कि वो एक लड़की है ना कि एक लड़का या फिर एक रोबोट। वो एक लड़की है और ये बात तय है। तो यार मुझे कमेंट में बताओ कि तुम लोगों को कितने पता था, मुझे कमेंट में बताओ अगली वीडियो का टाइटल कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊँ। और यार लाइक करना एक दूसरे के कमेंट को अगर तुम्हें भी लगता है मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। एक चीज़ और यार, तुम लोग कमेंट में अब ये भी कमेंट करना शुरू कर दो कि मुझे अपनी वीडियोज में क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। बिकॉज यार मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ बट मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को मेरी वीडियोज पसंद नहीं आ रही है। अब बस आप लोग ये बोलते हो यार हमें मज़ा नहीं आ रहा, बट मैं क्या करूँ वो भी मुझे कमेंट करो। और इसके अलावा अगर तुम लोगों को ना प्रमोशन चाहिए तो यार देखो मैं ऐसे नहीं दे सकता, तो तुम्हारे पास कुछ मटेरियल होना चाहिए। तो यार एक्सचेंज होगा यार, तुम लोग मुझे ईमेल पे बिल्कुल मुझे लोग तुम लोग बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें यहाँ पे शाउट आउट दूँ। मैं बिल्कुल दूंगा यार, मैं बिल्कुल तुम्हें पूरी की पूरी वीडियो लाने दूंगा अपने चैनल पे। बट यार तुम्हारे चैनल में कुछ होना चाहिए यार, क्योंकि मैंने जिन चैनल्स का प्रमोशन किया वो गए, वो काफ़ी आगे तक गए हैं, क्योंकि यार अच्छे लोगों को ही मैं प्रमोट कर सकता हूँ। सो अगर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद, और फिर लाइक का तो दबाना ही है ना यार, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है। सो यार बाय।